and Virat. नमस्ते, मैं हूँ अमृता चिटनिस। क्वालिफिकेशन से एमबीए, प्रोफेशन से बैंकर, और उम्र मत पूछिएगा, मेरी आई को बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, मेरी उम्र तक उनके दो बच्चे हो चुके थे, तो अब वो ट्रिपल कोशिश में है कि जल्दी से मेरी शादी करवा दें। एक्चुअली आप लोगों को भी सेफ रहना चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि आपकी बगल वाली सीट खाली ना हो, वरना कहीं वो आपके पास आके आपको शगुन का लिफाफा पकड़ा देंगी और आपको ही मेरा दूल्हा बना देंगी। एक्चुअली आई बड़े जोरों शोरों से लगी हैं कि मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए, सोने जैसा, लेकिन मुझे तो हीरे जैसा पति चाहिए। हीरा मतलब पर्सनैलिटी से हीरा। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे सच्चा वाला प्यार करे, जो मेरे दिल की बात समझे। दिल की बात, बस ऐसा ही पति चाहिए मुझे जो मेरे दिल की बात समझे। वैसे इस बात पे किताब लिखी जा सकती है कि लड़कियां एक्चुअली में क्या चाहती हैं और दुनिया को क्या बताती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। मेरे हिसाब से ना, अगर झूठ की कोई शक्ल होती है ना, तो वो इन लड़कियों की होती है। इनको पति चाहिए हीरे जैसा, सोने जैसा। यार ये दुनिया पित्तल दी है और इन औरतों का दिल ना पत्थर दा है, फिर भी इनकी डिमांड में नो कमाल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भाई लोग, ये शादी वादी के बवाल में ना पढ़ो ही मत, कुछ नहीं रखा इसमें। सिंगल रहोगे ना, खुश रहोगे, सॉर्टेड रहोगे और ज्यादा भी जियोगे। मेरे हिसाब से लड़कियां ना बहुत सेल्फिश होती हैं, और अगर लड़कों को एक्चुअली पता चल जाए कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो शादी के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको प्यार नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है। आई अग्री विद विराट। हेलो, मैं हूं बबीता आहूजा, विराट की माँ। मैं कहती हूँ ना कि अमीरों को सिर्फ अमीरों से ही शादी करनी चाहिए, यही रिश्ता जचता है। अ मैच मेड इन हेवन अमीरों के लिए ही तो बोला जाता है, गरीबों को वहां कौन पूछता है। मेरा तो ये साफ मानना है कि सिक्का उछालकर नसीब आजमाने वाले गरीब होते हैं, नसीब वाले तो पैदाइश अमीर होते हैं, जिनके आगे दुनिया का हर रिश्ता बिकता है, प्यार भी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मतलब ऐसा थोड़ी होता है ना। सॉरी हाँ, मैं ऐसे बीच में ही आ गई। मैं, नमस्कार, मैं भवानी चिटनिस, आंबो की आई। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बिकाऊ नहीं होता और पैसों का मोहताज तो बिल्कुल नहीं होता। प्यार हो या रिश्ता, वो विश्वास की नींव पे टिकता है ना आमू। और ऐसा प्यार पाने के लिए और निभाने के लिए ना, अमेरिकी नहीं, सब कुछ लुटा देने वाली फकीरी चाहिए होती है। एक सेकंड, प्यार, यार जब लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती तो ये प्यार और शादी की क्या ही गारंटी हो सकती है। रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती, रिश्तों को बनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। रिश्ते गारंटी पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गए। Guys, after this delightful introduction to our new characters, I'd like to invite the producer, the immensely talented Mukta Dhon, to talk about the show. Talented and gorgeous. Come. I'm very happy. Oh my God. Oh my God. Woo! Whoa! Hi guys. So, कैसे मुझे तुम मिल गए is our new baby and as usual I have butterflies. I've been annoying all four of these things. हो रहा है ना ये ना वो ना, it's our new love story. It's the story of आज की मुंबई, आज की इंडिया की लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो काम करती है, घर संभालती है, नौकरी करती है, she's independent and she's also 29. Yes, you find a husband, but till then she's also 29. But unlike what we've seen before ki 29 ki ho gayi to ab sad ho gayi, shaadi nahi hui aaj tak kaise chalega, Amruta is not like that. Amruta believes in love. Kuch cheeze thi ghar mein, problems thi, shaadi nahi hui, but she still believes in love and she still
hopes that one day she'll find the right partner. Age नहीं होना चाहिए a reason to get married, love होना चाहिए. She's a good Maharashtrian middle class girl who lives with her family in a very nice chota sa 2 BHK. Uska full opposite is Virat and Virat's entire Ahuja family, who by the way was called Virat Ahuja at one point. And then Shruti called me and said, I want to call him Singhdana. So because she wanted to call him Singhdana, Virat is now Virat Singh Ahuja, so that we can call him Singhdana. So Virat is that Punjabi munda who's lived in South Delhi, who is extremely talented at work, and he's made lots of money, karodo karodo, which we always have in all our shows. To karodo ke paise inke paas, but utna hi attitude hai. Aur iske past mein ek aisi cheez hui jisse he believes women are only after money. Women are just like that. Ab jitna he hates the other woman, women who might be in his life, utna he loves his mother, he loves his family. In his head, he has the perfect parivar. Aur agar koi not so nice hai, to ye hai inke neighbors. Inki not redeveloped building mein, bagal mein rehne wale log, aur ye hamare duple wale log. So these are our families and how these two totally drastically opposite people in a typical Mumbai way, because Mumbai mein गरीब के बगल में अमीर रहते हैं, अमीर के बगल में गरीब रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं. पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, एवरीबडी लिव्स टुगेदर. सो माय शो इज अ लिटिल स्मॉल विंडो ऑफ मुंबई एंड आवर लाइव्स एंड हाउ वी लिव टुगेदर. एंड नाउ वी विल शो यू अ लिटिल बिट क्यू इन द एवी एंड वी शो यू द एवी. थोड़ा थोड़ा आपके किरदारों के बारे में जरा हमें बताएं. Just pass the mic. I think you all are labeled up. Yeah. Yes, we are. There is mic. Let's start with you, Shruti. मैं हूँ श्रुति झा. मैं अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ कैसे मुझे तुम मिल गए में. जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, अमृता पेशे से एक बैंकर है. 29 साल की है. उसके परिवार में ये चर्चा चलती रहती, परिवार में नहीं, उसकी आई बहुत परेशान रहती है कि इसकी शादी हो जाए. लेकिन जैसा मुक्ता मैम ने बताया कि वो चाहती है कि सही इंसान से हो, एंड शी रियली बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि उसने अपने आई बाबा में एक परफेक्ट मैरिज देखा है. तो उसके लिए सच यही है कि शादियां जिंदगी भर निभाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. उसको हर दिन उस पर आपको उसके लिए कमिटमेंट दिखानी होगी, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शादी सक्सेसफुल हो सकती है, जैसे मेरे आई बाबा की है. और क्योंकि उसकी ज़िंदगी कुशन रही है इस बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट में, तो उसको बहुत भरोसा है इस फैमिली यूनिट पे. और कोई अगर उसकी इस सोच से डिफर करता है तो उसको लगता है वो गलत है. हालांकि लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर हर इन स्टोर, एंड वी विल फाइंड आउट कि अमृता की सोच बदलती है या ग्रो करती है या क्या होता है. Thank you, Shruti. Can we move to Hemangi ji? Hemangi ji, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं. कैसे मुझे तुम मिल गए इस सीरियल में. मैं भवानी चिटनिस कर रही हूँ. नाम ही चिटनिस है, तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ बाय बर्थ. तो मैं ये किरदार करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हमारी जो प्रोड्यूसर है मुक्ता धोंड, वो भी मराठी है. जब उनका मुझे पहला कॉल आया था तो उन्होंने मुझे एक घंटे में सारी स्टोरी बता दी थी, और मैं कन्विंस हो गई कि यस. भवानी चिटनिस एक ऐसी औरत है जो उन चार लोगों से डरती है हमेशा, कि चार लोग क्या कहेंगे. तो वो पैरामीटर है उसके लिए. और हर माँ जो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, शहर की हो या गांव की हो, उसे एक ही बात सताती है कि उसकी बेटी की शादी टाइम से हो जाए, उम्र में हो जाए और अच्छे लड़के से हो जाए. और यही तीन चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, और उसके लिए मैं उसे भी परेशान किए जा रही हूँ कि ठीक है तू पढ़ी लिखी है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब है, लेकिन तेरी शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें किसी और से या फिर कोई कुछ भी मिल सकता है तुम्हें, पार्टनर उसे करनी पड़ेगी. और ऐसा ना हो तो तुम जल्दी करो और हाँ बोलो. तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और उसे भी परेशान कर देती हूँ. और अब तक जितना भी हमने शूट किया है बहुत मज़ा आ रहा है. और मुक्ता मैम थैंक यू
कि ये टिपिकल माँ नहीं है जो सिर्फ अपने बेटी को लेकर बहुत कंसर्न है, ऐसे नहीं है। मेरी भी एक अलग स्टोरी, मेरा भी एक अलग ट्रैक आपने इसमें डाल दिया, जो कि बहुत कम रेयर होता है माँ के लिए, क्योंकि एक लीड की माँ होना तो मतलब पीछे खड़ी हूँ और मैं सिर्फ रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक देने के लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड जी टीवी। थैंक यू सो मच मैम। I think it's a beautiful mother-daughter relationship that we are going to see on television. Moving on to Kishori ji, aap bataye aapke kirdar ke bare mein. Hello everyone, I'm Kishori Shahanevich and I'm playing Babita Ahuja in Kaise Mujhe Tum Mil Gaye mein. Aur again I'm thankful to Mukta for casting me in this character. एक्चुअली मैं कहीं और चल पड़ी थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके कहा कि कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं आ रही हो, इसी शो में आ रही हो, एंड तुम्हें ये शो करना है। एंड शी कन्विंस्ड मी फॉर द कैरेक्टर, एंड दिस अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, एंड आई डोंट थिंक शी इज़ जस्ट अ नेगेटिव कैरेक्टर, शी हैज़ सम लेयर्स टू दैट, वाई शी इज़ बिकम दैट ग्रे कैरेक्टर और वाई शी इज़ सो प्राउड और समथिंग लाइक दैट। And वो layers धीरे धीरे मुक्ता खोलेगी as the show progresses. And yes, मेरा लाडला बेटा है यहाँ पे विराट, who is like a darling of my eye and I love him a lot. और मेरी family, मैं बहुत protective हूँ हमारे family के लिए, बहुत बड़ी family है मेरी. So I love my family और I love the richness that we are in. और साउथ दिल्ली की एक अमीर फैमिली है जो एक टिपिकल थोड़ा सा स्नूटी होते हैं, तो वो ये फैमिली है। और यस, दे हैव लॉट ऑफ डेप्थ विद द कैरेक्टर्स, बट देन इट विल अनफोल्ड एज द सीरियल प्रोग्रेसेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड प्लीज़ लव आवर शो कैसे मुझे तुम मिल गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू आवर हीरो हैंडसम अजीत तनेजा। हाय गाइस, तो मैं प्ले कर रहा हूँ विराट सिंह नाना आहूजा, विराट सिंह आहूजा जो बाद में सिंह नाना बन जाएगा। एंड जैसा कि मुक्ता मैम ने बताया, ये साउथ दिल्ली के थोड़े रिच और थोड़े लाउड फैमिली है जो अब मुंबई शिफ्ट हो गई है। मैं भी दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्ले करते हुए। स्नूटी नहीं हूँ बट साउथ दिल्ली से मुंबई आया हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैरेक्टर वाइज विराट अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी मॉम और बेबे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। एंड पास में उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसकी सोच ऐसी है शादी को और प्यार को लेके, तभी विराट और अमृता काफ़ी अलग है, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। सो काफ़ी लेड कैरेक्टर है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच द शो, एंड आज रात से कैसे मुझे तुम मिल गए ओनली ऑन जी टीवी 10 PM। ऑन दैट हैप्पी नोट, कैन आई प्लीज हैव मुक्ता बैक ऑन स्टेज प्लीज। वील नाउ मूव इनटू द फोटो ऑप, सो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर यू नो फोटोग्राफर फ्रेंड्स टू स्टेप फॉरवर्ड। लेट्स डू द पिक्चर्स, and that will be followed by one group bite for all the news channels. We'll also be doing a photo op outside near the Razu. Are you can't go aise ho raha hai, leave one more, nahi come on one more on the mic also, you said it is our typical जैसे हमारे आशु। गाइस फोटो लो यार, क्या कर रहे हो गाइस, हम खड़े हैं। जस्सी ले रही है फोटो, स्टेक एंड सेंटर से लेना। जस्सी हमारी छोटू पांडे। डन डन, ये टूट सकता है। थोड़ा पीछे आ जाओ यार, सारे पीछे आ जाओ, अरे भाई देख के भाई, वो ज्यादा वो नीचे जाएगा। ओके गाइस,
लाइट मारना लाइट नहीं फेस में अरे खड़े करके सामने ले लो लाइट नहीं चेहरे पे ये लोग घूम ना रहे हैं क्या? नहीं अर्जित भाई सामने देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ यू एक बार यहाँ पे देखिए सब मैम यहाँ पे थैंक यू सेंटर लुक सर दो लोग सिर्फ हाँ कर रहे आप दोनों के बिल्कुल सामने अमर की बात रुकिए बोतो क्यों यो अजीत भाई सामने देखिए नहीं नहीं दोनों का यो ये बोरी टू लेट लुक हियर सिंगल सिंगल दोनों का सोलो सोलो सिंगल 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 सभी के पास आपके सामने सब्र करो यार सर ऊपर भाई आपके सामने डन डन चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ और जैसा कि हमने अभी तक बताया कि जो प्राइमरी कॉन्वर्सेशन इस शो में चल रही है कि अमृता और विराट के शादी को लेकर कितने अलग ख्याल आते हैं तो मैं अमृता के ख्याल बता देती हूँ अमृता बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उसने एक आइडियल रिलेशनशिप देखी है अपनी आई और बाबा में और उसे लगता है उसके जीवन में भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है और उसे ये नहीं लगता कि उसे इस वक्त शादी कर लेनी चाहिए ये नहीं लगता कि शादी की एक सही उम्र या यही सही टाइम है शादी के लिए एक सही इंसान की ज़रूरत होती है जो आपका सही मायनों में पार्टनर बन सके और तो वो अभी अपने काम में लगी हुई है अपने लाइफ को सिक्योर करने में इंडिपेंडेंट रहने में अपना करियर बनाने में लगी हुई है और जब कोई उसे अच्छा इंसान मिलेगा तो वो शादी भी कर लेगी
मेरे किरदार का नाम विराट है एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों की आइडियोलॉजीज और दोनों की सोच काफ़ी अलग है. विराट अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, रिच फैमिली से है, दिल्ली से और बॉम्बे शिफ्ट हो गया है. उसको प्यार में विश्वास नहीं है और शादी में तो बिल्कुल यकीन ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा इंस्टेंस हो जाता है कि वो बैड एक्सपीरियंस के बाद उसके व्यूज़ काफ़ी बदल जाते हैं. एंड दोनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी अलग है, बट फिर भी दोनों कैसे साथ आते हैं और प्यार में पड़ते हैं वो आप जानने के लिए देखिए हमारा शो. हाँ, इस चीज़ से मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में, बेसिक पर्सनालिटी में अमृता मुझसे काफ़ी अलग है. हाँ, मुझे बहुत पसंद है. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि काश मैं ऐसी हो पाती, बट अब तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, इट्स टू लेट टू चेंज माई नेचर. जैसे अमृता जो उसे सही लगता है वो बोलती है, और जिस तरीके से उसे सही लगता है उस तरीके से बोलती है, विदाउट, मतलब लेटर उसको लगे कि इस वक्त शायद इतनी ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल देती है उस वक्त कि मुझे ये सही नहीं लगता और मैं ये नहीं करूँगी. मेरा नहीं है, मुझे सही नहीं भी लगता है तो मैं चुप बैठती हूँ, मैं नहीं बोलती. वो मुझे अमृता की बहुत अच्छी बात लगती है. और अमृता में एक चीज़ जो बहुत अलग है मेरे बाकी सभी किरदारों में, दिस इज़ माई फर्स्ट शो, सेकेंड शो प्रॉब्ली, जिसमें वी आर वेल इनटू शूटिंग द 11th एपिसोड और अभी तक मैं शर्माई नहीं. और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अमृता के बारे में, कि उसकी कोई तारीफ भी करता है तो वो बोलती है आई एम द बेस्ट एट माई जॉब. शी क्लेम्स हर टैलेंट और वट एवर हर कैरेक्टर इज, शी क्लेम्स इट, शी इज़ नॉट शाई अबाउट इट, एंड आई रियली लाइक इट. मैं मेन इस बात से कनेक्ट कर पाया हूँ कि वो दिल्ली से है और मुंबई शिफ्ट हुआ है. उसका जो लिंगो भी है वो फुल दिल्ली वाला है. मुझे याद है जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो कियो, जाइयो, आइयो, मैं हर सीन में ये सब बहुत बोलता था. फिर मैंने उसको बहुत चेंज किया, अभी 10 साल हो गए. अब वापस मेरे को ये चेंज करना पड़ रहा है कि जाइयो, आइयो, ये करियो, याद रखियो. तो वो सब चीज़ें सिमिलर हैं, बट बाकी मेरा ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नहीं है शादी को लेके या प्यार को लेके. मैं ऐसा नहीं हूँ एंटी प्यार या एंटी शादी नहीं हूँ, बस वही फ़र्क है. बाकी आई थिंक आई क्वाइट लाइक विराट यार, काफ़ी हद तक सिमिलर है पर्सनैलिटी वाइज. थैंक यू. थैंक यू.